सो इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स बिटवीन द टू स्टेशंस अ ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट रेस्ट देन मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू बी 1:8:1 एंड देन द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बी 60 किलोमीटर पर आवर देन वॉट इज द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी ये पूछा है. तो हम यहाँ पे स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट ए, इनिशियली वेलोसिटी जीरो, रेस्ट से स्टार्ट किया. फिर ये बी पे आया, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बन गई 60 किलोमीटर पर आवर. फिर ये कुछ सी पॉइंट पे आया, यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही 60 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद ये स्लोली रिटार्ड हो गया और डी पोजिशन पे आ गया, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. और टाइम का रेशो दिया है 1:8:1, मतलब हम ये टी है, ये 8T है टाइम, और ये जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ तक होगा सी टू डी वो हम मान लेते हैं टी है 1:8:1. तो टी इज 8T और टी इस रेशो में हमने इसको बांट दिया. ठीक है, सो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. पहले हमें पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी ए टू डी पूछी है बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, ये सब कुछ हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, ए टू बी एवरेज वेलोसिटी, बी टू सी और सी टू डी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं और फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे देखना. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी वो क्या होगी, ज़ीरो प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फिर बिटवीन बी टू सी वो तो कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड हो गया. थर्ड बिटवीन सी टू डी वो कितनी होगी, सी पे वेलोसिटी 60 है, डी पे 0 है, दोनों का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू अगेन 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, ऑल राइट. हम अभी एवरेज निकालते हैं. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू डी, देखो कैसे निकाल रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू डी. एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, यू ऑलरेडी नो स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, जो लिखा वही. और यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम. ठीक है, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी और टाइम के टर्म में लिखेंगे. ठीक है, सो वेलोसिटी ए टू डी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी का ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी इंटू टाइम. सो 30T होगा ये, ये कितना होगा, ये होगा 60 × 8T और ये होगा 30 × T. क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो जाएगा, 30T प्लस 60 × 8T प्लस 30T डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, टी प्लस 8T प्लस टी. व्हेन यू सॉल्व दिस योर आंसर कम आउट टू बी 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऑप्शन सी.